हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो फाइल परमिशन सीरीज का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनरी रेफरेंस के थ्रू किसी यूजर के लिए किसी फाइल या डायरेक्टरी पर परमिशन सेट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंबॉलिक मोड से किसी यूजर के लिए परमिशन सेट कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम बाइनरी रेफरेंस के थ्रू परमिशन सेट कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बाइनरी रेफरेंस से परमिशन सेट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बाइनरी रेफरेंस के थ्रू परमिशन सेट करने के लिए जो तीन इंटीजर वैल्यू इनपुट की जाती है उसको आपको समझना सबसे पहले समझना होगा। जैसे यहाँ पर एक सैंपल स्ट्रिंग परमिशन स्ट्रिंग है, chmod स्पेस 750 स्पेस mysolutions.txt, ठीक है। ये बाइनरी रेफरेंस के थ्रू अगर आप परमिशन सेट कर रहे हो तो ये इसकी एक सैंपल परमिशन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ओनर को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन होगी, और ग्रुप को रीड एंड राइट रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन होगी, और ऑल अदर यूजर्स को नन परमिशन असाइन होगी। इसका मतलब है कि ऑल अदर यूजर्स यानी ओनर और ग्रुप के अलावा जो दूसरे यूजर बचे वो यूजर इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनको इस फाइल पर नन परमिशन असाइन होंगी। तो इसको आगे देख लेते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर तीन इंटीजर वैल्यू इनपुट की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है ओनर परमिशन को, और जो सेकंड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप परमिशन को, और जो थर्ड डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है ऑल अदर यूजर्स की परमिशन को, ठीक है। तो फाइल परमिशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। सिंबॉलिक मोड में रीड के लिए आर यूज होता है, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इसके लिए फोर यूज होता है, ठीक है। यानी रीड की जो रीड परमिशंस के लिए जो ऑक्टल वैल्यू होती है वो फोर होती है। उसी तरह राइट के लिए डब्ल्यू यूज होता है और उसकी ऑक्टल वैल्यू होती है टू। एग्जीक्यूट के लिए एक्स यूज होता है और उसकी ऑक्टल वैल्यू होती है वन। जैसे अगर आप किसी यूजर को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंबॉलिक मोड में हम यूज करते थे आर डब्ल्यू एक्स, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हम यूज करेंगे सेवन, ठीक है। सेवन का मतलब है रीड राइट एंड एग्जीक्यूशन, फोर प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। यानी सेवन अगर उसको इनपुट वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ रीड एंड राइट की परमिशन असाइन करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू इनपुट करनी होगी फोर प्लस टू यानी सिक्स। अगर केवल रीड ओनली की परमिशन असाइन करनी है तो इसके लिए आपको परमिशन असाइन करनी होगी वैल्यू इनपुट करनी होगी फोर। अगर आप रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करना चाहते हैं किसी यूजर को तो उसके लिए आपको वैल्यू इनपुट करनी होगी फोर प्लस वन यानी फाइव। अगर आप चाहते हैं कि किसी यूजर को नन परमिशन असाइन हो, ठीक है, ताकि वो डायरेक्टरी या फाइल का कंटेंट रीड ना कर पाए एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको जीरो यूज करना होगा। तो फाइल परमिशन सेट करने के लिए बाइनरी रेफरेंस के थ्रू उसके लिए कमांड होगा chmod स्पेस यूजर परमिशन स्पेस उस फाइल या डायरेक्टरी का नेम आपको लिखना है जिस पर परमिशन सेट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद में मैं एक डायरेक्टरी मूव कर रहा हूं cd /etc/mysolutions ls -l कमांड के सहायता से इस डायरेक्टरी कंटेंट लिस्ट आउट कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ डायरेक्टरी डिस्प्ले हो रही है, तो एक मैं नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir mylab, और उसके बाद इस डायरेक्टरी मूव करता हूँ cd mylab, और उसके बाद इस डायरेक्टरी कंटेंट लिस्ट आउट करता हूँ, और उसके बाद इसमें एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir टेस्ट dir, और एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता हूँ abc.txt ls-l। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी और ब्लैंक फाइल एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है abc.txt। उसके बाद सबसे पहले हम यूजर चेक कर लेते हैं कौन कौन से यूजर अवेलेबल हैं इस सिस्टम में। तो यहाँ पर माई सॉल्यूशंस अजय विजय A1 और A2 यूजर अवेलेबल है, और ग्रुप चेक कर लेते हैं kate/etc ग्रुप। यहाँ पर एक ग्रुप भी ऑलरेडी क्रिएटेड है माई ग्रुप,
और माय ग्रुप का एक मेंबर है A1, माय ग्रुप यूजर ग्रुप का एक यूजर मेंबर है A1, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट डीआर डायरेक्टरी और abc.txt फाइल का जो ग्रुप ओनर है वो है अभी रूट है, ठीक है। तो हम इसका ग्रुप ओनर चेंज कर देते हैं, टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर हम चेंज कर देते हैं, जैसे chgrp और ग्रुप का नेम जिसको आप ग्रुप ओनर बनाना चाहते हैं उस ग्रुप का नेम और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम चेक कर लीजिए। तो टेस्ट डीआर डायरेक्टरी का जो करंट ग्रुप ओनर है वो है हो गया है माई ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इस डायरेक्टरी पर परमिशन सेट कर दीजिए, जैसे इसको मैं इस डायरेक्टरी पर परमिशन सेट करना चाहता हूँ कि जितने भी अदर यूजर हैं, ठीक है, जो भी जो इस फाइल का ओनर है, इस डायरेक्टरी का जो ओनर है उसको फुल परमिशन मिले, यानी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। और जो ग्रुप ओनर है या जो ग्रुप है इस डायरेक्टरी का या जो यूजर इस ग्रुप के मेंबर है उसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन साइन हो, और जो अदर यूजर है उनको नन परमिशन असाइन हो। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा chmod 750 test dar, चेक कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले परमिशन थी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, फिर रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, यानी पहले इस डायरेक्टरी पर जो डिफॉल्ट जो परमिशन थी वो थी 755 की, अब जो परमिशन है वो कौन सी हो गई है रीड 750 की, यानी ओनर को फुल परमिशन है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, और ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट, और जितने भी अदर यूजर है उनको परमिशन है नन, ठीक है। यानी जो ओनर होगा उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है इस डायरेक्टरी को, और जो ग्रुप है ग्रुप के मेंबर हैं वो उसको रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टरी को, ठीक है। और जो नन अदर यूजर है वो उस डायरेक्टरी को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे और नहीं इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर पाएंगे। तो चेक कर लीजिए, तो सबसे पहले हम ओनर से चेक कर लेते हैं, जैसे cd ओनर है इसका रूट टेस्ट dar, तो देखिए इसका कंटेंट भी लिस्ट आउट कर पा रहा है और उसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ रूट dar, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी भी क्रिएट कर पा रहा है, लिस्ट आउट भी कर पा रहा है कंटेंट, ठीक है। ओनर को फुल परमिशन इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, ls-l टेस्ट dar, ठीक है। और ग्रुप मेंबर से चेक कर लेते हैं, जैसे माय ग्रुप है इस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर अभी है माय ग्रुप और उस ग्रुप का मेंबर है A1, तो A1 से लॉगिन कीजिए su-a1 ls-l, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी /etc/mysolution/mylab, ठीक है। तो अब इसे चेक करके देखते हैं ls-l-dar, ठीक है। तो A1 यूजर इस ग्रुप का मेंबर है, माय ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, इसलिए इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर पा रहा है, ठीक है। और यहां से आप चेक कर सकते हैं ग्रुप मेंबरशिप 5 grep my group, यानी माय ग्रुप का जो यूजर का मेंबर है वो है A1, ठीक है। A1 और ग्रुप पे इस डायरेक्टरी को परमिशन है रीड एंड एग्जीक्यूट की, ठीक है, रीड कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो cd टेस्ट dar, तो देख लीजिए ये डायरेक्टरी भी मूव कर चुका है, ठीक है, डायरेक्टरी भी इसने चेंज कर दिया, यानी डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट कर सकता है और उसको रीड कर सकता है, कौन, A1। अब चेक करके देखिए कि ये इसको एडिट राइट कर सकता है या नहीं, तो mkdr A1, तो देखिए यहाँ पे एरर शो हो रही है कि A1 इस डायरेक्टरी को राइट नहीं कर सकता, वो सिर्फ रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको परमिशन डिनाई की एरर मैसेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। cd --ls-l, अब मैं a2 से लॉगिन करता हूं, su-a2, पासवर्ड मिस्टेक बता रहा है, तो सबसे पहले हम रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं su admin@123,
टू जस्ट लॉगिन हो गया। अब हम su कमांड के साथ टू यूजर से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ए टू न तो इस डायरेक्टरी का ओनर है न ही ग्रुप मेंबर है, ठीक है। जो उसका ग्रुप ओनर है टेस्ट या डायरेक्टरी का, उस ग्रुप का मेंबर नहीं है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं etc ग्रुप स्पेस पाइप स्पेस ग्रेप स्पेस माई ग्रुप। तो देख लीजिए माई ग्रुप का जो ग्रुप मेंबर है वो है A1, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट करता हूँ ls-l टेस्ट dir। तो देखिए यहाँ पर परमिशन डिनाय की एरर मैसेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, क्योंकि अदर यूजर है उसको नन परमिशन असाइन है, यानी वो इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूट कर पाता है यानी वो चेक कर लीजिए टेस्ट dir, ठीक है। तो यहाँ पर भी एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि अदर यूजर जो है वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो अदर यूजर हैं वो इस डायरेक्टरी कंटेंट लिस्ट आउट कर सके, रीड कर सके, एग्जीक्यूट नहीं कर सके, तो इसके लिए आपको परमिशन सेट करनी होगी। तो फिर से लॉग इन कीजिए रूट से su chmod 754, ठीक है। केवल आप उसको रीड ओनली की परमिशन असाइन करना चाहते हैं और स्पेस टेस्ट dir। तो अब देख लीजिए जो अदर यूजर है उनको रीड ओनली की परमिशन मिल गई है, यानी वो इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर सकते हैं su a2, ठीक है। तो यहां से चेक कर लीजिए ls हाइपन एल स्पेस टेस्ट डी ए आर। तो देख लीजिए तो यहाँ पर ये लिस्ट आउट कर पा रहा है ls-l टेस्ट डी ए आर, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से आपको परमिशन सेट करनी होगी su chmod 755 space test dir, ठीक है, ls-l। जो अदर यूजर है अब उनको परमिशन असाइन हो गई रीड एंड एग्जीक्यूट की। तो फिर से लॉगिन कीजिए su a2, ठीक है, ls-l। तो अब चेक करके देखिए ls-l test dir, ठीक है। तो आप देखिए प्रॉपरली ये उसको यूज कर पा रहा है। उसके बाद चेंज करके देखिए डायरेक्टरी cd टेस्ट dir, ठीक है। तो अब ये डायरेक्टरी भी चेंज कर पा रहा है, ठीक है, उस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट भी कर पा रहा है। तो एक राइट कर पाता है नहीं ये चेक कर लीजिए a2, तो राइट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। रीड ओनली की परमिशन होगी तभी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तब ये रीड एंड रीड कर सकता और एग्जीक्यूट कर सकता उस डायरेक्टरी को, ठीक है। तो फिर से रीड ओनली की परमिशन सेट कीजिए ls-l cd dot dot ls-l chmod 754 space test dir, ठीक है। अब su a2 अब चेक कीजिए cd test dir, ठीक है। यहाँ परमिशन डिनाई हो रही है, डिनाई परमिशन डिनाई के ऊपर एरर मैसेज डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब वह यूजर अदर यूजर इस डायरेक्टरी कंटेंट को इस डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बाइनरी रेफरेंस के थ्रू परमिशन सेट कर सकते हैं यूजर के लिए। अगर आपको फुल परमिशन साइन करनी किसी यूजर को तो आपको वैल्यू इनपुट करनी होगी 7, 4+2+1। अगर आपको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन साइन करनी है तो 5 वैल्यू आपको इनपुट करनी होगी। अगर आपको सिर्फ रीड ओनली की परमिशन साइन करनी है तो आपको इनपुट वैल्यू इनपुट करनी होगी 4। अगर आपको फुली डिनाई करना यानी
कोई भी परमिशन उसको असाइन नहीं करनी है, वो रीड भी ना कर पाए और एक्सेस भी और एग्जीक्यूट भी ना कर पाए डायरेक्टरी को, तो उसके लिए आपको जीरो वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो इस वीडियो हमने सीखा कि बाइनरी रेफरेंस के थ्रू यूजर के लिए परमिशन कैसे सेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।